सद्दसार वरदान और साप, इसको पाली भाषा में वरदान और साप बोलते हैं, संस्कृत भाषा में वरदान और शाप बोलते हैं, या बाद में इसको श्राप कर दिया। शे और श्रा दोनों ही शब्द पाली के नहीं है, इसलिए पाली के मूल शब्द में ये साप शब्द है और वरदान है। पहले समझे वरदान क्या है। वर माने होता है सबसे अच्छा और दान माने होता है देना, यानी किसी को सबसे अच्छा जो आपने दिया है उसको बोलेंगे वरदान। और साप का मतलब क्या है, साप का मतलब होता है आपत्ति करना। सापत्तिक का मतलब है जो आपत्ति करता है, साथ आपत्ति करता है, इसलिए सापत्तिक से साप बना है। सापत्ति का मतलब होता है से आपत्ति करने वाला, यानी से आपत्तिक, यानी जिसने आपत्ति की है। और एक होता है शब्द सापत्य, यानी आपत्ति करने योग्य, यानी आपत्ति युक्त या आपत्ति योग्य, उसको सापत्य बोलते हैं। इसी से जो शब्द है शॉर्ट फॉर्म है इसकी, वो साप बना हुआ, यानी साप का मतलब है आपत्ति करना। इसलिए जब हम कहते हैं कि वरदान, इसका मतलब है श्रेष्ठ दान देना, और साप का मतलब है आपत्ति युक्त या आपत्ति के साथ, यानी कि उसका विरोध करना। बाद में जो साप शब्द है उसको शाप करके, श्राप करके, और उसके मतलब बदलते चले गए। वरदान का मतलब लोगों को लगा कि बस कोई चीज़ मांगी और हमें मिल गई तो ये वरदान हो गया, कि तुम्हें हम वरदान दे देते हैं, वो वरदान में आना शुरू हो गया। और श्राप ऐसा बन गया, आपत्ति का बहुत ज़्यादा बुरा असर होने लगा, और आपत्ति को ऐसा बना दिया जैसे ये कोई, बाद में इसको इंग्लिश में कर्स वगैरह भी कहने लगे, जैसे एक तरह से कर्स माने पाप होता है वैसे। तो ये जो श्राप है उसका श्राप बना दिया, और जो वरदान है उसको मिरेकल वाला बना दिया। जबकि पाली में वरदान और साप बहुत साधारण से शब्द हैं, सबसे अच्छे देने को वरदान बोलते हैं, और आपत्ति के साथ अगर कोई चीज़ है तो उसको साप बोलते हैं, या से आपत्तिक बोलते हैं, या सप ते बोलते हैं। धन्यवाद।